एलएसी पर तनाव के बीच पीएम मोदी की आज पूर्वोत्तर यात्रा, मेघालय और त्रिपुरा का करेंगे दौरा। पीएम मोदी मेघालय और त्रिपुरा को देंगे 6,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात। सुबह 9:30 बजे पहुंचेंगे शिलांग। पीएम मोदी 10:30 बजे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के गोल्डन जुबली समारोह में होंगे शामिल। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के सीएम के साथ अमित शाह भी होंगे बैठक में शामिल। पीएम मोदी 11:30 बजे पोलो ग्राउंड में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। मेघालय को देंगे 2,450 करोड़ की सौगात। शिलांग के बाद पीएम मोदी जाएंगे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, जहां 4,350 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अगरतला में पीएम मोदी की विवेकानंद ग्राउंड में रैली, 2:45 बजे लोगों को करेंगे संबोधित। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी, अब तक 71 लोगों की मौत। सरकार ने जहरीली शराब की जाँच के लिए SIT का गठन किया। SIT ने मुख्य आरोपी अनिल सिंह को गिरफ्तार किया। सारण में पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन क्लीन ड्राइव। अनिल सिंह की निशानदेही पर 8 और शराब कारोबारी हुए गिरफ्तार। पिछले 4 दिनों में पुलिस ने 271 लोगों को गिरफ्तार किया। 6,000 लीटर से ज्यादा की शराब जब्त। बिहार विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने की मांग, पुलिस अधिकारियों के साथ सीएम नीतीश कुमार पर भी हो FIR दर्ज। सम्राट चौधरी ने मुआवजे पर खोली सीएम नीतीश की पोल, कहा शराबबंदी के तुरंत बाद 2016 में गोपालगंज में 15 लोगों की मौत के बाद उनके घर वाले 4-4 लाख रुपए सीएम की तरफ से दिए गए थे। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, कहा मानसिक रूप से गड़बड़ हो गए हैं नीतीश। चिराग पासवान का नीतीश सरकार पर हमला, सरकार छिपा रही मौत का आंकड़ा, 200 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद भी मुजफ्फरपुर में धड़ल्ले से आ रही है शराब की खेप, पुलिस ने एक ट्रक शराब जब्त किया। पटना के यारपुर इलाके में एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। रेलवे ट्रैक के किनारे देसी शराब बिकने के ठिकानों को नष्ट किया। छपरा में जहरीली शराब के अड्डे पर पहुंचा इंडिया टीवी, शराब की ऐसी भट्टियां मिली जहां से शराब बनाकर जमीन के नीचे और दलदल के नीचे छिपाया गया था। छपरा में शराब बेचने वाले खुद हथकड़ी बांधकर अस्पताल में भर्ती, पुलिस कस्टडी में रखा गया, माफिया से शराब लेकर बेचने का है आरोप। छपरा शराब कांड पर बड़ा आरोप, एक तरफ शराब से मर रहे थे लोग, चुनावी खेल में लगातार बढ़ रही थी शराब। प्रत्याशी की शराब पार्टी में दर्जनों लोगों के बीमार होने का आरोप, 2 की हुई थी मौत। निकाय चुनाव से ठीक पहले वोटर्स को लुभाने के लिए शराब बांटने का गंभीर आरोप। बिहार में आज पहले चरण के निकाय चुनाव, सुबह 7 बजे से 156 नगर निकायों में होगी वोटिंग। पहले चरण में 68 नगर परिषद, 88 नगर पंचायतों पर चुनाव, शाम 5 बजे तक चलेगी वोटिंग। इंडियन नेवी को आज मिलेगा एक और विशाखापट्टनम श्रेणी का डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगाओ को मुंबई नेवल डॉकयार्ड में किया जाएगा शामिल। 7,500 टन से ज्यादा वजन है मोरमुगाओ वॉरशिप। 75% स्वदेशी वॉरशिप की लंबाई करीब 165 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर। मोरमुगाओ डिस्ट्रॉयर्स में 4 शक्तिशाली गैस टरबाइन फिट, 30 नॉटिकल मील की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम। मोरमुगाओ वॉरशिप ब्राक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस रिमोट सेंसर मशीन और ASW हेलीकॉप्टर भी वॉरशिप पर होंगे तैनात। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान का बड़ा बयान, 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हो जाएगी भंग। इमरान खान ने कहा अगर सरकार ने तुरंत पाकिस्तान में चुनाव नहीं करवाए तो PTI के सांसद भी इस्तीफा देंगे। बिलावल भुट्टो के बाद पाकिस्तान की एक और मंत्री शाजिया मरी की बहकी जुबान, भारत को दी न्यूक्लियर वॉर की धमकी। शाजिया मरी ने कहा पाकिस्तान थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देगा, हमारा मुल्क एक न्यूक्लियर मुल्क है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान के खिलाफ सुनाई दी विरोध प्रदर्शन की गूंज, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया गया। पटना में बिलावल भुट्टो के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन, BJP दफ्तर से निकाला गया मार्च। महाराष्ट्र के शिरडी में भी बिलावल भुट्टो के खिलाफ BJP नेता और कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, जमकर की गई नारेबाजी। पीएम मोदी को लेकर बिलावल के बयान पर बोले अनुराग ठाकुर, उनकी सोच और कारनामे गंदे, पाकिस्तान आतंक को पनाह देने वाला देश। पीएम भूपेश बघेल ने बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा की, कहा हमारे PM के खिलाफ ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा BJP अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान और दूसरे हथकंडे अपनाती है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने दिया भरोसा, कश्मीरी पंडितों पर जुल्म करने वाले नहीं बचेंगे, इनको मिलकर रहेगा न्याय। बदलता कश्मीर मुद्दे पर LG मनोज सिन्हा ने कहा कश्मीरियों ने 70 साल में झेली तरह तरह की यातनाएं, कभी क्रूरता के साथ लोगों को बाहर किया गया, लेकिन आज ऐसा कोई नहीं सोच सकता। वहीं चीन के बहाने केंद्र को घेरने का राहुल का दांव पड़ा उल्टा, BJP बोली चीन पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल। सेना पर दिए राहुल गांधी के बयान पर राजनाथ सिंह का करारा जवाब, कहा झूठ की राजनीति लंबे वक्त तक नहीं चलती। देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस से पूछा जब भारत के भूभाग पर चीन ने कब्जा किया उस वक्त देश के PM कौन थे। CM योगी का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी का बयान शर्मनाक। हिमाचल के CM का बयान, हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाया गया, अगर राहुल गांधी ने ऐसा कहा तो ये देश विरोधी बयान है। चीन मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, डोकलाम में जमफेरी रिज तक निर्माण कर रहा चीन, ये चिंता की बात।
उत्तराखंड के सीएम का बड़ा दावा, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिली है आर्थिक मदद, इसीलिए राहुल ने चीन का गुणगान किया। तवांग के लोगों ने इंडियन आर्मी का हौसला बढ़ाया, कहा हम पूरी तरह आर्मी के साथ। तवांग में स्थानीय लोगों ने कहा अगर सेना मौका देती है तो दुश्मन से लड़ने के लिए बॉर्डर पर जाने के लिए हम तैयार। उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा मुंबई के टुकड़े करना चाहती है बीजेपी। उद्धव ने महाराष्ट्र सरकार को कहा महाराष्ट्र द्रोही, कहा महाराष्ट्र द्रोहियों को जमीन में गाड़ देंगे। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार, कहा महाविकास अघाड़ी का महामार्च फेल। फडणवीस का बयान, ये अंबेडकर का अपमान करने वालों का अघाड़ी, हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगी जनता। पंजाब के फाजिलखा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन मंगवाने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया। 7 लाख की ड्रग मनी, 2 मैगजीन, 48 कारतूस और एक पिस्टल बरामद, पकड़े गए युवकों ने किए कई खुलासे। लुधियाना पुलिस ने सुलझाई 19 साल की लड़की की मौत की गुत्थी, पुलिस ने लड़की के बॉयफ्रेंड सहित 4 को किया गिरफ्तार। पंजाब के मुक्तसर साहिब में 20 साल के युवक की अपहरण के बाद की हत्या, 30 लाख रुपए की मांगी गई थी फिरौती। बिहार के गया में कुख्यात नक्सली जोनल कमांडर सहित 2 गिरफ्तार, नक्सली पर बिहार में 10 लाख का था इनाम। नक्सलियों के पास से AK-56, 5 डिटोनेटर सहित 97 जिंदा कारतूस मिले, औरंगाबाद में 7 जवानों की हत्या में शामिल थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, अनजान आतंकवादियों ने घटना को दिया अंजाम। यूपी की बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 2 बदमाश गिरफ्तार। अलीगढ़ में आरएसएस नेता को अनजान हमलावर ने मारी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस हमले में जुटी लोगों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के इंदौर में बर्थडे मनाने का वीडियो वायरल, लड़के हथियार लहराकर कर रहे थे बर्थडे सेलिब्रेट। पुलिस ने वीडियो से पहचान कर 5 लड़कों को गिरफ्तार किया, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर केस शुरू किया। हरिद्वार से अपहृत बच्चा पुलिस ने सही सलामत किया बरामद, बच्चे को परिवार को सौंपा गया, 9 तारीख को बच्चे का हुआ था अपहरण। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारी मात्रा में फर्जी प्रोडक्ट्स बरामद किए गए, ब्रांडेड कंपनियों के नाम से सप्लाई करते थे फर्जी प्रोडक्ट्स, 6 लोग गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में निर्माणाधीन इमारत का एलिवेटर गिरा, हादसे में 1 मजदूर की मौत, 5 मजदूर जख्मी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के पहले दिन की बैठक खत्म हुई, बैठक में मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर चर्चा हुई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा मंदिर निर्माण की समय सीमा अब दिसंबर के बजाय अक्टूबर 2023 निश्चित की गई। दिल्ली पहुंचे आंध्र प्रदेश के अमरावती से किसान, 3 राजधानी बनाने के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। में 3 से 4 डिग्री बड़ा तापमान, पर्यटकों में छाई मायूसी, स्नोफॉल देखने के लिए पहुंचे थे शिमला। यूक्रेन के खेरसौन में रूसी शेलिंग में 1 शख्स की मौत, 2 लोग जख्मी। यूक्रेन के क्रीवी री में रेस्क्यू टीम ने एक परिवार को इमारत से के मलबे से निकाला, रूसी मिसाइल अटैक में तबाह हुई थी इमारत। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा सभी मिसाइल्स ने तय टारगेट को बनाया निशाना, सही जगह पर किया गया हिट। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सेना का कमांडर्स से मुलाकात की, रूसी रक्षा मंत्री और रूसी सेना के चीफ भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद थे। ईरान सरकार ने ऑस्कर विजेता फिल्म द सेल्समैन की एक्ट्रेस तारा ने अली दोस्ती को किया गिरफ्तार, सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बारे में झूठ फैलाने का आरोप। अली दोस्ती को सोशल मीडिया पर उनके एक पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया, एक्ट्रेस ने प्रदर्शन के दौरान मौत की सजा पाने वाले पहले शख्स के लिए समर्थन जाहिर किया था। ईरान सरकार की दलील, तारा ने अली दोस्ती अपने दावों की सच्चाई साबित के लिए जरूरी दस्तावेज मुहैया कराने में नाकाम रही, इसीलिए की गई गिरफ्तार। मलेशिया में हुई लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 24 तक पहुंची, 9 अभी भी लापता। रेस्क्यू टीम ट्रैकर डॉग्स की मदद से मलबे में कर रही है तलाशी, दर्जनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बीजिंग के एक अस्पताल ने एक जिम्नेजियम में खोला हेल्थ सलाह सेंटर, बुखार पीड़ितों को जरूरी सलाह और दवाई मुहैया करवाई जा रही है। केंद्र सरकार ने दिया भरोसा, लोक कल्याण योजनाओं के लिए अनाज का भरपूर है भंडार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक हुई। पान मसाला गुटखा के बिजनेस में हो रही टैक्स चोरी को रोकने जैसे तमाम मुद्दों पर जीएसटी काउंसिल में हुई चर्चा। जीएसटी काउंसिल ने सबूतों से छेड़छाड़ समेत 3 अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की सिफारिश की। अर्थव्यवस्था पर बोले राजनाथ सिंह, हाल के सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 से फैबुलस 5 बनाया है। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच सीधी टक्कर, आज रात 8:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। गोल्डन बूट की रेस में लियोनेल मेसी सबसे आगे, मेसी और एम्बाप्पे ने सबसे ज्यादा 5-5 गोल दागे। फ्रांस के खिलाफ रहा अर्जेंटीना का पलड़ा भारी, अब तक दोनों टीमों के बीच 12 मैच हुए, अर्जेंटीना ने 6 और फ्रांस ने 3 पर कब्जा किया। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मैच से पहले फ्रांस के कोच का बयान, कहा फ्रांस की टीम किसी भी सिनेरियो के लिए तैयार। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से एक दिन पहले कतर में अर्जेंटीना के फैंस ने जश्न मनाया, ढोल बजाते हुए नाचना किया। फीफा वर्ल्ड कप में 3rd स्थान पर क्रोएशिया ने किया कब्जा, मोरक्को 1 के मुकाबले 2 गोल से दी शिकस्त।
क्रोएशिया के फैंस ने मोरक्को के खिलाफ जीत का जश्न मनाया। राजधानी ज़ाग्रेब में जमकर की आतिशबाजी, झूमे नाचे जश्न मनाया। बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट जीतने के लिए भारत को 4 विकेट की जरूरत, बांग्लादेश का स्कोर 6 विकेट पर 272। बांग्लादेश के कप्तान शाकिबुल हसन 40 और मेहंदी हसन मिराज 9 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए, भारत को जीत के लिए इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी। ऑस्ट्रेलिया विमेन्स टीम ने रोमांचक मैच में भारत को 7 रन से हराया, सीरीज में 3-1 की बनाई अजेय बढ़त। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 188 रनों का लक्ष्य रखा, जवाब में भारतीय टीम ने 181 रन बनाए। भारत बना ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन, लगातार तीसरी बार जीता खिताब, बांग्लादेश को 120 रनों से मात दी। शाहरुख खान ने किलियन एम्बापे की जमकर तारीफ की, फीफा वर्ल्ड कप का शानदार खिलाड़ी भी बताया। शाहरुख खान ने पठान से पहले ट्विटर पर किया आस्क SRK सेशन, बेशर्म रंग विवाद पर कमेंट करने से बचे। टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन मैवरिक ने किया OTT का रुख, भारत में 26 दिसंबर से Amazon Prime Videos में आप देख पाएंगे मैवरिक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।